स्टूडेंट्स, तो क्या आप लोगों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए हैं? और हाँ, इनको सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट इसके लिए आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रूर क्लियर होने चाहिए। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोर 402। दिस इज़ योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो चलिए विदाउट एनी डिले कर देते हैं स्टार्ट आज की वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। और हाँ, इसको सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा जो छोटा सा टारगेट चल रहा है 100 के सब्सक्राइबर्स का, उसको कंप्लीट करने में प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आई हैव रिलीज्ड माई ऑन क्वेश्चन बैंक फॉर सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो फटाफट से ज़रा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, वहाँ पर लिंक है, आपको इजीली इस क्वेश्चन पेपर को कैसे बाय करना है वो मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ सपोज इफ़ यू ऑन अ स्टेशनरी शॉप, आप लोगों की एक स्टेशनरी शॉप है एंड यू नीड टू कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल इन योर शॉप। आपकी शॉप में जितना भी मटेरियल है ना, लाइक नोटबुक है, पेन है, उसका कंप्लीट डिटेल्ड रिकॉर्ड आप लोगों ने स्टोर कराना। यू ऑल्सो नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसिंग, स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग बुक्स, इन अ किस में कराना है, डेटाबेस प्रोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। अब ए और बी पार्ट हम देख लेते हैं क्या कहता है। ए पार्ट में हमें कहते हैं नेम एनी टू डेटाबेस प्रोग्राम्स टू ऑर्गेनाइज डेटा एज पर योर बिजनेस नीड। अब मुझे दो डेटाबेस के प्रोग्राम्स के यानी कि सॉफ्टवेयर के नेम बताने हैं। सो काफ़ी सारे हैं, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी डॉट बेस, और उस मेरे पास है MySQL, या फिर आप लिख सकते हो एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस आता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप जो भी मीन्स जिसमें आपका डेटाबेस की जो प्रोग्राम हो, फॉक्स प्रो हो गया, वो भी आप लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल मैंशन किए हैं दैट इज़ ओपन ऑफिस ओ आर जी बेस एंड देन MySQL। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ DBMS, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सो DBMS क्या है बेसिकली, मेरे पास देखो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS बेसिकली होता क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम जनरली अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमारे जो DBMS होते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं कि हम उसमें अपना डेटाबेस को, हमारा जो रिकॉर्ड है उसको क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारे काम हम उसमें कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज अमन हैज अ स्मॉल लाइब्रेरी एट होम, ही वॉन्ट्स टू स्टोर डिटेल्स ऑफ ऑल द बुक्स इन RDBMS। He created a table with 5 fields, और ये आपका RDBMS प्रोग्राम की बात हो रही है। He also created a primary key in that table. So what do you mean by table? सबसे पहले मुझे बताना है table क्या होता है। See, table आपका क्या है बेसिकली, rows और column का collection. So it is a collection of logically related data stored in the form of rows and columns. जो भी आपका data rows और columns के form में store होगा उसको हम क्या बोलेंगे, table. और सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग अ प्राइमरी की। देखो प्राइमरी की कौन सी होती है, सपोज़ मेरे पास कोई भी एक टेबल है तो प्राइमरी की वैल्यू क्या होगी, हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के क्लास 10th के डेटाबेस की, क्लास 10th की टेबल की बात करूँ, तो अगर मैंने क्लास 10th के आप लोगों के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया है तो वहाँ पर जो मैं प्राइमरी की है वो रोल नंबर को सेट कर सकती हूँ, बिकॉज रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का मेरी क्लास में क्या होगा, यूनिक होगा। नेम रिपीट हो सकता है बट रोल नंबर रिपीट नहीं होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कंप्लीट स्कूल की, पूरे स्कूल का टेबल है मेरे पास, सारा का सारा डेटा है, तो वहाँ पर तो मैं रोल नंबर को प्राइमरी की सेट नहीं कर सकती ना, बिकॉज रोल नंबर 1 भी मुझे हर क्लास में मिलेगा, रोल नंबर 2 भी हर क्लास में मिलेगा।
सो वहाँ पर आप लोगों का एडमिशन नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर, तो ऐसी किसी फील्ड को मैं वहाँ पर अपना प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ, राइट। जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, व्हाट डज दिस मीन, कि जो रिपीट नहीं हो रही हो। अगर मैं बोलूँ नेहा के कितने मार्क्स हैं, तो नेहा मेरे क्लास में एक सदस्य हो सकती है, मुझे क्या पता किस नेहा की बात हो रही है। वहीं अगर मैं बोलूँ रोल नंबर 5 के कितने मार्क्स हैं, तो आप इजीली हमें बता सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, एज ऑल द वैल्यूज इन प्राइमरी की आर यूनिक, सो इट हेल्प्स इन सर्चिंग द रिकॉर्ड एंड मेंटेनिंग द यूनिकनेस इन अ टेबल। ये काम काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है सी पार्ट, अमन कैन क्रिएट मोर देन वन प्राइमरी की इन दिस टेबल, यस और नो। देखो मेरे पास एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है, तो एक अमन जो है वो एक टेबल में एक ज़्यादा प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एक्सपेंड आर डी बी एम एस, एक्सपेंड मीन्स उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। सो आर डी बी एम एस मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आर डी बी एम एस होता क्या है, जहाँ पर भी मेरा डेटा, टेबल की बात हो रही है ना रोज और कॉलम्स की, तो जहाँ पर भी मेरा डेटा टेबल के फॉर्म में हो, टेबुलर डेटा हो, तो दैट मीन्स आर डी बी एम एस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ऑर्डर टेबल गिवन है। ए पार्ट क्या कह रहा है, विच फील्ड इज सुटेबल फॉर प्राइमरी की, कि प्राइमरी की मैं किसको बना सकती हूँ। देखो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू की वैल्यूज भी यूनिक हैं, डिस्काउंट में भी सारी वैल्यूज यूनिक हैं, ऑर्डर डेट में भी वैल्यूज यूनिक हैं, बट अगर मैं ऑर्डर टेबल बना रही हूँ तो पॉसिबिलिटी देखो क्या है, एक डेट पर एक साथ ऑर्डर आ सकते हैं, ऑर्डर डेट रिपीट हो सकती है, वैल्यू भी रिपीट हो सकती है, डिस्काउंट भी रिपीट हो सकता है, बट ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं होगी। सो यहाँ पर हम प्राइमरी की किसको सेट करेंगे, ऑर्डर आईडी को। नेक्स्ट इज बी पार्ट, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन ऑर्डर टेबल। देखो फील्ड्स का मतलब क्या होते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, 1, 2, 3 और 4। सो फील्ड्स कितनी हो गई, 4। रिकॉर्ड्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज, 1, 2, 3। सो रिकॉर्ड्स कितने हो गए, 3। जब आप रिकॉर्ड्स काउंट कर रहे हो तो आपकी जो हेडर रो है इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। कब नहीं करोगे, जब मैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट कर रही हूँ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमें कहता है राजीव स्कोर 70% मार्क्स इन मैथ एंड 65% मार्क्स इन साइंस। 70% मार्क्स मैथ्स में है और 65% उसके साइंस में है। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी मार्क्स ही नीड टू अचीव टू सिक्योर एटलीस्ट 90% इन इंग्लिश। सो विच फॉर्म ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस शुड बी परफॉर्म फॉर द सेम। सो देखो अगर मैं व्हाट इफ एनालिसिस की टूल्स की बात करूँ तो मेरे पास कौन कौन से हैं, सिनेरियोस, गोलसिक, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, और लास्ट मेरे पास कौन सा है, सॉल्वर, राइट। सो सिनेरियो का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ सपोज प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और मुझे कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो प्रिंसिपल की वैल्यूज मुझे गिवन है, रेट की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सिनेरियो तो आपका व्हाट इफ एनालिसिस पर बेस है, मीन्स अगर मैं रेट की वैल्यू ये कर दूंगी तो इंटरेस्ट क्या आएगा, टाइम की वैल्यू ये कर दूंगी तो इंटरेस्ट क्या आएगा। गोलस्टिक और सोल्वर के आपके बैक ट्रैकिंग पर बेस्ड रहते हैं, मीन्स मुझे आउटपुट पता है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट बताना है, राइट। आउटपुट मुझे पता है कि मीन्स मुझे एनुअल एग्जाम में परसेंटेज 70% चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इनपुट मुझे फाइंड आउट करना है, वो हम किस में करते हैं, गोलस्टिक में। और गोलस्टिक और सोल्वर में क्या डिफरेंस है, अगर एक की वैल्यू निकालनी हो तो गोलस्टिक, और अगर एक से ज़्यादा की निकालनी हो तो उसमें आपका क्या आएगा, सोल्वर, राइट। सो हम क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, राजीव स्कोर 70% मार्क्स इन मैथ एंड 65% मार्क्स इन साइंस। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी मार्क्स ही नीड टू अचीव टू सिक्योर एटलीस्ट 99% इन इंग्लिश। उसकी इंग्लिश में कितना आने चाहिए, 90%, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने आउटपुट बता दिया, और विच फॉर्म ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस शुड बी परफॉर्म फॉर द सेम। एक की बात हो रही है एक सब्जेक्ट की, कि उसके मार्क्स उसमें कितने आने चाहिए इंग्लिश में, तो एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो आंसर क्या लिख दोगे, गोल से। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते तो क्या लिख देते आप, सॉल्वर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दिनेश फाउंड दैट द डेटा विच ही नीडेड फॉर एनालाइजिंग
एंड टू मेक अ डिसीजन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। उसने कुछ डेटा को एनालाइज करना है और कुछ डिसीजन लेना है, बट उसका जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है। बट दीज स्केटर्ड डेटा नीड टू बी कम्बाइंड। एक काफ़ी सारी जगह डेटा पड़ा है, उसको उस डेटा को क्या करना है, कंबाइन करना है एंड प्लेस एट अ सिंगल प्लेस। तो मुझे पता लग रहा है क्या कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पर, डेटा कंसोलिडेशन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। नीता इज प्लानिंग टू टेक अ कार लोन टू बाय अ न्यू कार। कार लोन लेना है उसने, बट शी इज नॉट श्योर अबाउट द पे बैक टाइम, दैट इज वेदर टू पे इट बैक इन 5 or 6 years, कंसिडरिंग दैट हर मंथली फ्यूल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इन सच केस विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट शी कैन यूज, इसका जो आंसर होगा दैट इज सिनेरियो, राइट। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, नीता ने क्या करना है, कार लोन लेना है, बट उसको पे बैक का नहीं पता है कि 5 years में करेगी तो कितना आएगा, 6 में करेगी तो कितना आएगा, बट उसको मंथली फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इतना पता है। तो इन सच केसेस विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट वो यूज़ करेगी, सिनेरियो, बिकॉज सिनेरियो में वो ये चीज़ करके देख लेगी, अगर मैं 5 years का ले रही हूँ तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, 6 का ले रही हूँ तो क्या रिजल्ट मिल रहा है मुझे, इस तरीके से। तो सिनेरियो इज़ यूज टू डिटरमाइन हाउ प्रोजेक्टेड रिजल्ट इज अफेक्टेड बाई चेंजेस इन अजम्पशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल टू सी हाउ दोज चेंजेस विल इफेक्ट द आउटकम ऑफ फार्मूला ऑन द वर्कशीट। आप वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हो और फिर ये देखोगे कि उसका आपका जो रिजल्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमें कहता है नितिन इज हैविंग 50,000 उसके पास है, दैट ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन 2 म्यूचुअल फंड्स। कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, 2। द इंटरेस्ट रेट्स आर 8% और 10% हो गया, और ही इज़ वंडरिंग हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट इन ईच फंड। मीन्स दोनों फंड की बात हो रही है, कितना इन्वेस्ट करें, और टोटल इंटरेस्ट मुझे पता, आंसर मुझे पता है 10,000 है और इनपुट मेरे 1 से ज़्यादा हैं, तो आंसर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सॉल्वर, राइट। सिनेरियो नहीं आएगा इसका आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सॉल्वर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमें कहते हैं प्रणय वॉज फीलिंग रियली स्ट्रेस एंड वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन सिंपल डेली टास्क। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जो दोस्त है रवि ने सजेस्ट किया कि तुम कुछ फिजिकल पोस्चर्स करो और ये माइंड बॉडी ये सब करो, उससे आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा और एनर्जेटिक फील करोगे। रवि इज मैंशनिंग अबाउट विच टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, योगा, बिकॉज योगा में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल पोजेस होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, माइंड और बॉडी आपके रिलैक्स रहती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इज सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस। देखो अपने आप से वो उठ रही है 6 बजे, हॉबी क्लास के लिए जा रही है, देन शी कम्स बैक होम, सुबह की बात हो रही है, फिर वापस आई और फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। उसने एक दिन पहले भी काम करके रखा है, बट कुछ होमवर्क हो सकता है, टेस्ट हो, रिवाइज करना हो, तो स्कूल जाने से पहले भी वो अपना काम कर रही है। शी डज ऑल वर्क बाय हरसेल्फ, सारा का सारा काम वो खुद कर रही है, नो वन टेल्स हर टू डू सो, ठीक है। आप लोगों को तो पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, और हो सकता है तुम तो स्वाति हम के अच्छे बच्चे हो, खुद ही पढ़ लेते हो, है ना। सो नेम द टाइप ऑफ क्वालिटी विच एवरी पर्सन मस्ट हैव टू बी सक्सेसफुल, कि अगर सक्सेसफुल होना है तो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। देखो बार बार ना हर कोई आपको नहीं कहेगा कि बच्चे पढ़ लो, अच्छे मार्क्स स्कोर, अच्छे मार्क्स आएंगे, या फिर कोई भी आपको, देखो जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा ना, अंदर से कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, तो आप अपना लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये सिर्फ क्लास 10th की बात नहीं है, अभी तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैम पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर क्या देने लग गई है, बट हाँ दिस इज़ फैक्ट, ठीक है, जिसको कोई नहीं बदल सकता। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने का जुनून, पैशन, डेडिकेशन ना हो ना, आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्रॉमिस मी, ऑब्वियसली कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, प्रॉमिस करो अपने आप से भी, मुझसे भी चलो मत करो, खुद से प्रॉमिस करो कि अपना गोल सेट करो लाइफ में कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, और बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ उसमें लग जाओ। सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी रहता है। देखो कई बार क्या होता है, सपोज़ आपने
कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई काम करना स्टार्ट किया, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, एक साल लगा दिया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वहीं क्विट कर जाऊँ या अपनी मिस्टेक से सीखूँ और उसको अचीव करूँ। सो क्विट आपने नहीं करना, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो रास्ता ज़रूर कठिन होगा, बट जो मंजिल मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, राइट? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यू आर द हेड ऑफ अ मार्केटिंग टीम। अमित हु इज वर्किंग अंडर यू एज हैज सबमिटेड अ बजट टू यू फॉर एन इवेंट एंड यू नीड टू एडिट द कॉस्ट एंड रिटर्न टू हिम। एडिट करना है, ठीक है, दैट मीन्स चेंजेस करना है, उसको रिटर्न करना है। यू आर कंसर्न दैट इफ यू जस्ट मेक द चेंजेस देन यू वॉन्ट सी द चेंजेस, कि अगर आप उस स्प्रेडशीट में सिर्फ चेंजेस कर दोगे, इतनी बड़ी एक्सेल की शीट है, उसको तो पता ही नहीं लगेगा आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो यू डिसाइडेड टू यूज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ कैल्क। आपने डिसाइड किया कि आप कैल्क का वो कौन सा फीचर है जो आपने यूज़ करना है, वो बताना है कि अमित वो सारे चेंजेस इजीली देख सके, जो जो चेंजेस आपने किए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर यू हैव चूज, कौन सा चूज करेंगे? रिकॉर्ड चेंजेस। देखो, रिकॉर्ड चेंजेस को ऑप्शन ऑन करते ही जैसे आप जो भी चेंजेस करोगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, राइट? सो अमित जो होगा उसको, मीन्स जो आपका अमित इज़ वर्किंग अंडर यू, तो जिसको भी वो चेंजेस होंगे वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वो कर सकते हैं, कि जो आपने चेंजेस किए हैं वो एक्सेप्ट करने हैं या फिर रिजेक्ट करने हैं। सो ये हाईलाइट कहाँ से होंगे, चेंजेस जो आपने किए हैं, बाय टर्निंग ऑन द फीचर ऑफ रिकॉर्ड चेंजेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। प्लस नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और हाँ, अब वीडियो ख़त्म हो गई है तो उसका मतलब यूँ नहीं ऐसे चले जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया वो भी ज़रूर करना, और अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।